तो गाइस जैसे कि मैंने आपको जो है काफी सारे वीडियो में मैं बताया बीएसएनएल अपडेट के बारे में, बीएसएनएल की सेटिंग के बारे में, कैसे क्या करना होता है, ये चीज पूरा मैं शेयर करते रहता हूँ। सो फिलहाल इस वीडियो पे मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ ये दिखाऊंगा कि 4G नेटवर्क अभी अवेलेबल जो है किस एरिया पे है, किस सिटी में है। अगर आपके पास भी एक बीएसएनएल सिम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पे आपको रेगुलर आपको बीएसएनएल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। सो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा सिटीज है, कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे 4G नेटवर्क फुल्ली कंप्लीटली जो है अवेलेबल है। सो आपको वीडियो को यहाँ पे इन तक देखना है, जो बताने वाला हूँ उसे आपको देखना है कि कौन सा जगह है, कौन सा सिटीज है, कौन सा शहर है जहां पे पूरा जो है बीएसएनएल का नेटवर्क अवेलेबल है 4G वाला, जो अभी न्यू टावर इंस्टॉलेशन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिला, देख सकते हैं यहाँ पे एक मैसेज आपको यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे पूरा प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आपको यहाँ पे देखने में 12,000 टावर्स जो है 2024 के एंड तक लगने वाला है, यानी जो है 4G का टावर जो है 2024 के एंड तक लास्ट तक यहाँ पे 4G का टावर 12,000 यहाँ पे कंपनी जो है इंस्टॉल करने वाला है। ओके उसके बाद जो है नेक्स्ट ईयर जैसे ही शुरू होगा उसके बाद आपको 5G का टावर भी आपको देखने को मिल जाएगा, 5G का कनेक्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस साल पे आपको लास्ट तक यहाँ पे 12,000 टावर जो है कंपनी क्या कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है हर एक जगह पे। अभी जो सिर्फ अगर बात करें कि कहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है कंप्लीटली नेटवर्क किस एरिया पे है, सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 मेट्रो सिटीज में आपको बीएसएनएल का टावर जो है अभी अवेलेबल देखने को मिलेगा। एक है दिल्ली, दूसरा है मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। ये जो है 4 जो जगह है आपको यहाँ पे सिटीज जो है, इस जो है सिटीज पे आपको बीएसएनएल का 4G नेटवर्क अवेलेबल आपको कंप्लीटली देखने को मिलेगा। ओके अगर आप जो है इस एरिया से हैं तो आप भी अपने फोन पे बीएसएनएल का नेटवर्क इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से 4G वाला। अगर आप जो है इस एरिया पे हैं लेकिन फिर भी नेटवर्क नहीं चल रहा है तो फोन को एक बार रिबूट रिस्टार्ट करके जरूर देख लेना, एंड आपका सिम जो है 4G कनेक्शन है या नहीं वो चीज आपको चेक कर लेना है। अगर नहीं है तो आप जो है 4G पे स्विच कैसे कर सकते हैं अपने सिम को, इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो दे चुका हूँ, इस चैनल पे मौजूद है, वो आप देख के अपने सिम को 4G पे स्विफ्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो रहता है 4G यहाँ पे ऐसे एरिया पे कम्प्लीटली इंस्टॉल कर चुका है। अगर आप भी ऐसे एरिया से हैं तो आपको भी एक अच्छा खासा नेटवर्क स्पीड देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको अगर नेटवर्क का स्पीड अगर दिखाना चाहता हूँ वो कितना रहेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिला देख सकते हैं 40 से 45 MB/s के हिसाब से आपको 4G नेटवर्क अभी जो इंस्टॉल हुआ है उसका स्पीड आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस अगर आपके पास ये बीएसएनएल का सिम है सो बीएसएनएल को आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है। ओके धीरे बनाए रखना है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे काम चल रहा है, बहुत ही ज्यादा स्पीड में बीएसएनएल का टावर हर एक जगह पे लग रहा है। आपके एरिया पे बीएसएनएल का नेटवर्क कैसा रहता है, कैसा टावर है नहीं है ये कमेंट करके जरूर बताना, नेटवर्क कैसा चल रहा है।